न्यूज और शो टाइम विद रमीज राजा की जानिब से आप सबको ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। तो आओ सुनो खुशी की दस्तक। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि ईद का पुरमुसरत मौका है और रमीज कहाँ रह गए हैं। ये भी आपको ख्याल आ रहा होगा कि शायद उनके घर पे बिन बुलाए मेहमान आ गए हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रमीज राजा हम सब में ही मौजूद हैं। तशरीफ लाते हैं रमीज राजा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। और आपकी मैं ये जो मिलियन डॉलर स्माइल है ना जी, इसको मैं कोई 5 मिलियन डॉलर की बनाने लगा हूँ। ये मेरी तरफ से आपको ईदी मुबारक। आप सोच रहे हैं इस शो में क्या होगा, तो अपनी सोच को आप एवरेस्ट पे ले जाएं, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। देखें, इसमें क्रिकेटर्स आने वाले हैं, शो में पॉलिटिशियंस आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, और फिर जिसमें भी टैलेंट है ऑडियंस में से या बाहर से, कोई भी यहाँ पे आके अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, उनको हम मधु करेंगे और उनके टैलेंट को पूरी पाकिस्तान में हम फैलाएंगे। फिर सोशल अवेयरनेस के भी शोज में चीज़ें डालेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर हम आपको बताएंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रैफिक केओस के ऊपर हमारी टेक है, उसके ऊपर भी बातें करेंगे। सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। गेम्स भी खेलेंगे आपके साथ भी और अपने गेस्ट के साथ भी। सिर्फ हम दोनों जो हैं वो सीरियस होंगे इस सारे सिचुएशन में। मैं तो बहुत हंसने वाली हूँ और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत हंसने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी मस्ती होगी, हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे और बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले हैं। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है जी, और वो ये है कि एक तरह से मौजा ही होता है, यानी कि चांसेस बड़े ही कम होते हैं कि ईद में हर चीज आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो। बिल्कुल, और आज आपकी तैयारी देख के लग रहा है कि सब कुछ कंप्लीट है। नहीं, मगर ख्वातीन की तैयारी जो है ना उसमें हमेशा कसर रह जाती है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जी वो जो है ना चांद रात से लेके सुबह तक ख्वातीन शॉपिंग करती हैं और उसके बावजूद अपने बच्चे का जो जूता जब लेने जाती हैं तो एक साइज बड़ा एक छोटा ले आती है। फिर उसके बाद जो है ना नए सूट का जो एक दुपट्टा होता है ना जी, वो किसी दूसरी दुकान पे भूल जाते हैं और फिर जो टिपिकल एक जो प्रॉब्लम होती है कि जी वो ईद से पहले वाला जोड़ा जो है ना वो दर्जन ने देना होता है, सुबह आके तो दर्जन की तबीयत खराब हो जाती है। तो इतने मसाइल हैं हमारी खवातीन को, तो ईद इसीलिए थोड़ी सी कईयों की फीकी पड़ जाती है। अच्छा, आप खवातीन के मसाइल पे तो बात करें, मर्दों की जिंदगी में कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती है? मैं आपको बताता हूँ, मर्द जो है ना बेचारे, वो जब खातून अंदर जाके अपना पार्लर में बैठती हैं, फेशियल कराती है, हर चीज अपनी टिप टॉप करती हैं, वो बाहर ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं जैसे इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बेचारे, ऐसे करके बैठे होते हैं। अब अपने ऑडियंस से जानते हैं कि इनकी ईद की तैयारी किस तरह से होती है। कौन बात करेगा, आप बताइए मैम, ईद की तैयारी जो है वो चांद रात तक कंप्लीट हो जाती है या ईद वाले दिन तक चलती है? वैसे चलती है, ऐसे ही है, ईद वाले दिन तक चलती है, चांद रात से लेके सुबह तक कोई ना कोई चीज रह जाती है। जी आप प्लीज बताइए आपकी तैयारी कैसी होती है, और ईद पे क्या कुछ बनाती भी हैं या फिर शॉपिंग में बिजी रहती है, किचन को भी टाइम देती है? ईद वाले दिन छुट्टी होती है, पूरा रमजान जो है बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, खाने बनाते हैं सारा कुछ, तारियां सेरियां, तो ईद वाले दिन छुट्टी होती है, उस दिन हमने रेस्ट करना है। सो के ईद गुजरती? नहीं, बिल्कुल भी सो के नहीं, सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। अरे वाह, चले जी, वेलकम आपको बहुत बहुत ऑडियंस को, और आपकी वजह से ये शो बनेगा। सो मेहमान को बुलाते हैं जी। बिल्कुल, पहले मेहमान जो हमारी जो मैडम आ रही हैं वो हैं मल्टी टैलेंटेड, और माशाल्लाह से हाइट वाइज भी मल्टी टैलेंटेड है वो और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, और इसलिए हम उनसे आज बात करेंगे ईद के स्पेशल डे पे और स्पेशल शो पे। तो आती हैं हरीम फारूक। आप प्रेशर में? हाँ,
हाँ। आपको प्रेशर में डाल दिया तो बाकी भी आते ही होंगे। अच्छा ये मुझे बताएं, फ्रैंक क्वेश्चन है, ईद वाले दिन कितना सोती हैं आप, या आप इसको एज फेस्टिव डे समझती हैं? मुझे खुशी इस बात की है कि आपने सीधा और सच्चा सवाल पूछा है मुझसे। यूजली जो पूछते हैं कि ईद वाले दिन आप क्या करती हैं, तो मैं सच बता देती हूँ कि मैं ज़्यादातर सो रही होती हूँ, क्योंकि ये वाहिद टाइम होता है जब छुट्टी मिलती है हमें, वी गेट टू ईज आउट, और कोई भी नहीं काम कर रहा होता, तो मेरा तो सोने में ही ज्यादातर गुजर जाता है। तो बुलाते हैं जी अपने दूसरे मेहमान को। हमारे दूसरे मेहमान इमेंसली टैलेंटेड एक्टर और सिंगर हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जुनैद खान। खैर मुबारक आपको भी और सबको भी यहाँ पे भी, और जितने घर में हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? और ये मीठी ईद होती है, घर में कुछ ना कुछ मीठा बन रहा होता है, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो डेंटिस्ट है, तो क्या मीठे पे कंट्रोल होता है कि यार ये नहीं खाना दांत खराब हो जाएंगे? मीठा खाने देती हैं, उसके बाद कहती होंगी कि फौरन जाके टूथब्रश ले वॉइस करके ब्रश करके। तो बताइए। नहीं, हमारी ईद तो वैसे ही सेलिब्रेशन होती है। हाँ। हमारे कल्चर में यही है कि हम नमाज पढ़ के आते हैं, उसके बाद घर में खवातीन जो मीठा बनाती हैं हम वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, बिफोर वी सिट डाउन, एग्जैक्टली एक सेकंड, मैंने आपके लिए ईदी रखी हुई है मैडम। हिना, हिना को भी मैंने थोड़ा सा अमीर किया है, आपको मैंने ज्यादा अमीर किया है। थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे बाद ईदी मिली है, अच्छा लगा। मेरी उम्र ऐसी होगी मैं सबको ईदियां दे सकता हूँ। मैं तो सब, मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मुझे तो आपको हमें ईदी देनी चाहिए। अच्छा, हाँ पहले क्यों नहीं बताया? गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, आप दोनों तशरीफ रखिए प्लीज। मैं मीठे के पास बैठ जाता हूँ जी, प्लीज। अच्छा, ईद का पुरमसरत मौका है, तो ईद से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल जो है ना वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले तो जुनैद से मैं ये पूछूंगी, जुनैद ये बताएं कि ईदी कितनी मिलती थी बचपन में? बचपन में देखें, बचपन में मुझे अच्छी सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली? ज्यादा अब तो उस जमाने में पता नहीं 5,000 मिली होगी मुश्किल से, वो भी अभी मतलब अभी काफी रिसेंट दौर में पैदा हुए आप। नहीं नहीं, 5,000 तो आप मिलती है, पीक की बात करो, जब पीक में जमाने मिली होगी वो भी सारे खानदान को जमा करके मिली होगी, इतनी मिली होगी। और सबसे कम? सबसे कम हमें 10 रुपए, 10 रुपए भी मिलती थी हमें एक जमाने में। तो क्या करते थे उस ईदी का, क्या आपकी भी अम्मा बटोर लेती थी? ऐसे ही हमारे बैंक, हमारे पेरेंट्स होते थे ना, तो बैंक के पास जाती होती थी और वहां से जमा होती होती थी। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो फिर कुछ शौक थे अपने, मुझे रेसलिंग देखने का बहुत शौक है। अच्छा, अभी भी है, उसको भी देखता था, तो ये है कि मुझे था कि पैसे जमा करके रेसलिंग फिगर्स, एक्शन फिगर्स जाके लेने, रियली, तो मैं वो लेता था जाके। मुझे ये नहीं पता था आपके मम एंड डैड दोनों डॉक्टर हैं। माशाल्लाह, आपकी बेगम साहिबा जो हैं वो भी डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। बिल्कुल। सो हम जो हैं बहुत ही ज्यादा फजूल से हमारे करियर लगते हैं, ये कि हम आए हुए हैं। लेकिन रमीज, आपको दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उर्दू बाजार जाएं, वहाँ पर एक किताब दस्तयाब है, 30 दिन में डॉक्टर बनी, और मुझे यकीन है आप 27 दिन में ही बन जाएंगे। मैं अगर ऐसे डॉक्टर बना, सबसे पहले दांत मैंने आपका ही फिर निकला। मतलब फिर मरीज एक्सपेरिमेंट में उर्दू बाजार की किताब से आप पे करूंगा ना। मतलब फिर मरीज तबाह दे। चलो जी, अब बूझे ये कौन है, बूझे कौन है, ये हैं बचाने पहचाने, राणा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, राणा साहब आए जी, राणा साहब। अब तालियां हो जाए राणा साहब के लिए, आजकल नाराज है राणा साहब, नाराज हैं आप। नहीं, पहले जो है वो आपने तालियां नहीं बजाई, क्या आप हाजिर दिमाग नहीं थे? क्या आपको मेरी ये एंट्री ठीक नहीं लगी? बहरहाल ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और सबको मेरी तरफ से जो है वो राणा साहब गलत मत समझे, सलाम कर रहा हूँ। राणा साहब यहाँ आ जाए ना, मेरे करीब इधर आ जाए। वाह वाह वाह, जर्क बर्क रंग में ईद मुबारक। खैर, आपके ये जो है ना एरिया बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं बड़ा दिल लेके आया था, और ईद का दिन होता है, इसमें जो है वो गरीबों को अपने साथ मिलाना चाहिए। बिल्कुल, जो दुनिया के हारे हुए लोग हों उनको साथ मिलाना चाहिए। तो राणा साहब सुनो, न्यूज का भी यही एजेंडा है, और हम भी इसी तरह ईद मना रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं, आओ सुनो खुशी की दस्तक। वाह 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 वाह, काले लबास में रमीज, क्या माशाल्लाह लग रहे हैं। काला तो हरीम ने भी पहना हुआ है। अरे हरीम,
और जुनैद, वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बहुत बहुत राणा साहब। जुनैद आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, गो के मेरा ताल्लुक जो है वो सियासत से है। आपका एक ड्रामा आया था, मैं बड़ा उस पे मैं कहता हूँ फैन हो गया था। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। मिल्क शेक पीते बीच में क्या है? ये मेरी बाय डिफॉल्ट मेरे लिप्स ऐसे ही हैं। अच्छा माशाल्लाह। बहरहाल हरीम, आपको मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, और आपने फिल्मों पे फिल्में बनाई हैं और बनाई जा रही हैं जी। मेरे बारे में जहन क्यों नहीं बनाती कि मुझे लेके आप फिल्म बनाएं? ये कब सोचेंगी आप? हाँ, जब मैं आप राणा साहब टाइटल बताएं ना, क्या आप टाइटल होना चाहिए आपकी फिल्म का? वो तो हरीम आई थिंक सजेस्ट करें, बताएंगे राणा साहब खुद। फिल्म का नाम होगा राणा एंड हरीम। मुझको राणा जी माफ करना, मैं हरीम आपको तीन ऑप्शन देता हूँ हॉलीवुड के हीरो के साथ काम करने के लिए, किसके साथ आप जो है वो काम करेंगी? नंबर वन राणा सनाउल्ला, नंबर टू राणा सनाउल्ला, नंबर थ्री राणा सनाउल्ला। ये हॉलीवुड या हॉली रोड वाले, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? राणा साहब आप सब बातें छोड़े, आज ईद का पहला दिन है, हमारी ईदी किधर है? मैं ईदी तो नहीं बल्कि उल्ट कलाबाजी खा के आपको दिखा सकता मतलब ईदी मेरी ईदी, रमीज बताए मेरी ईदी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, तैयार हो रही है? है तैयार कैसे हो रही है? वो इनकी बिल्ली है। अच्छा ये बताएं मेरी ईदी कहाँ है? क्या मतलब, मैं मतलब आपसे झुलसी हुई ईदी एक्सपेक्ट जरूर कर रही थी, लेकिन मैं आपसे इतनी छोटी हूँ, मैं कैसे आपको ईदी दे सकती हूँ? लेकिन 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 एक मिनट नहीं, 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 मैं आपको लड़की अपने कदमों को वहीं रोक लो, खबरदार जो ट्रॉली की तरफ बढ़ी। हम बहुत हॉस्पिटैलिटी का मुजाहिरा करते हुए, ये लें आप ये कपकेक खाएं, ये वाला, ये लाल वाला, ये लें आप, तो हमारे लिए कुछ नहीं लाए, प्लीज आप भी लीजिए। अच्छा मैंने अगर ये खा ली तो मानो बिल्ली की तरह मेरी मूंछों पे लग जाना है। करीम ये आप भी ईद की खुशियां हमारे साथ मनाएं। आपने उनको इस किस्म की थैंक यू कैलोरीज हैं बहुत ज्यादा, ये मुझे बताएं, ये तो खा ही नहीं सकते हैं इस तरह की पफ पेस्ट्री। अच्छा मेरी मूंछों पे लग जाएगी। राणा साहब आपके पास फिलहाल कोई पोर्टफोलियो तो नहीं है, लेकिन देखिए आप हमारे काम आ जाएं, ईद का पुरमुसरत मौका है, तो मैं आपको एक टास्क दूंगी। लेकिन इससे पहले एक टास्क मैंने जो है वो करना है। क्या? मैं बड़े दिल से एक बात लेके आया हूँ। क्या? ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे धांधली का शोर, जैसे हरीम मेरे पास आपके लिए एक टास्क है, बातें तो होती रहेंगी जी, जरूर। हमारे पास ये ट्रॉली मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है, इसमें से कुछ भी, चूंकि अभी आजकल आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप हमारी मदद कर दें और ये जितनी भी चीजें हैं इसमें से कुछ भी बेच के दिखा दें। अच्छा मैं मेहमान हूँ, नौकर नहीं हूँ। राणा साहब ये जो ये पड़ी हुई है मिठाई है, चूड़ियां हैं, ये गजरे पड़े हुए हैं, कुछ तो बेच के दिखा दें, हम आपका टैलेंट देखना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बेच के दिखाता हूँ। जी प्लीज जरूर। ओए जुनैद। ये ओए क्या होते हैं? मेरा मतलब है कि जुनैद आप बोले, जुनैद आप ये फूल खरीद लें और ये किसी अपने चाहने वाले को दे दें। ये तो जबरदस्ती होगी। अगर आप चाहने वाला मैं ही हूं तो मुझे ही दे दें। यानी आपको ऑडियंस में देना चाहिए ना। इसको दे भाई, इसको दे, हाथ हाथ उठाओ। काले कमीज वाले बेटे आपने वोट नहीं डालना, पता है क्यों? आपका अंगूठा भी छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो। जी जुनैद किसको फूल देना चाहिए? तो भाई मुझे अब क्या? अच्छा भी कोई अच्छी सी बात को शेर सुना दे। हाँ। कौन सुनाएगा भाई शेर? शेर सुनाए जी, एक था राणा। वो सुनाएंगे चलिए जी आप। जी क्यों बनाई आतिश दोजक ए खुदा, मोहब्बत ही काफी थी इंसान को जलाने के लिए। मैंने तंदूरी नुमा शेर सुनाया।
मैं कहता हूँ यकीन माने जुनैद आप एक बार फिर यहाँ पे आई हूँ। पहली बार किसी मर्द को मैंने कांधा दिया है। बहरहाल क्या शेर आपने सुनाया है, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। कोई बात नहीं, हो जाता है। शेर सुनावा शेर नू लगे या दही, मेरी मर्जी नहीं सुनाना, नहीं नहीं नहीं। क्या बात है राणा साहब, ये आपने मारी है गुगली। क्या बात है, मैं यकीन जाने आपसे बड़ा मुतासर हूँ। अच्छा? आपने मेरा 30 लाख देना है जो आपने 82 में मुझसे लिया था, और तब मैं यंग जो है वो सियासत में आया था। तो मैंने वैसे किए आपसे पैसे, पता नहीं आप कह रहे थे कि यार मुझे जाना है यार, पैसों की जरूरत है यार। आई वॉज लाइक कि ये नौजवान जो है वो मुसीबत में है। राणा साहब वैसे ही गलत झूठ बोला, आपकी मूछें गिरने वाली थी। अच्छा वैसे हरीम फारूक एक बात बताएं, ये अरके गुलाब तो मैं भी लगाता हूँ। कहाँ लगाते हैं ये नहीं पता, ये कहाँ लगाते हैं? अब ये तो जो है वो जो है देखिए चेहरा जो है लगाते हैं मुंह पे, नहीं नहीं चेहरा सीधा राज में नहीं रखा जाता। और यही चेहरा आपकी पहचान होती है, माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल यू आर, सो हैंडसम यू आर, एंड सो टॉल डार्क हैंडसम, एवरीथिंग मी, एवरीथिंग मी। फुर्सत में बनाए राज साहब, आपसे एक गुजारिश है आखिर। जरूर सर जरूर, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने जो है ना वो ब्रेक कॉल करनी है, जरा उस तरफ देख के। देखिए मैं समझता हूँ आप मेरे मोहसिन हैं, और मोहसिन जो है वो जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई आपका मोहसिन होता है तभी तो आप आगे जाते हैं, और अगर आपका कोई मोहसिन नहीं होता तो नहीं, आप आगे नहीं जाते। तो आप हमारे फिलहाल मोहसिन बने और ब्रेक ले, आप ब्रेक ले। खबर एक क्यूट ब्रेक लूं, जहरीला लगूंगा देखो। देखिए हरीम अपनी नजरें मुझसे हटा लें, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। ईद का शो है, शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा, और आज हमारे शो का पहला दिन है, ईद का भी पहला दिन है, और हमारी इस शो में कोशिश रहेगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें, और आप लोग भी आई एम श्योर उतना ही इंजॉय कर रहे होंगे जितना हम सब लोग आज ईद की खुशियों में जो ना आप सबको शरीक करके कर रहे हैं। एंजॉय ओवर रेटेड टर्म है वैसे, हर कोई यूज करता है। अच्छा आप लोगों को बहुत आप तफरी, तफरी कर रहे होंगे, बहुत तफरी मिल रही होगी। और रमीज हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने नाज़रीन को, अपने जितने भी ऑडियंस यहाँ पर गेस्ट को भी ईद की खुशियों में शामिल करें, आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करें, और अगर व्यूअर्स को ये लगता है कि उनमें कोई भी टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो ज़रूर हमसे राब्ता करें, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए हाजिर है। ईद की बेस्ट बात की है आपने, है ना, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मुझे खुद ही रابطہ कर लेना चाहिए। जी जी मैंगो जट, मैंगो जट, ये नाम आपने कैसा सोचा अपनी फिल्म के लिए? ये नाम जो है अबू अलीहा इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मैंगो जट। आई थिंक इट्स द पर्पस इज के फैमिलीज आके देखें, बच्चे आके देखें, और जट हमारे यहाँ जो होते हैं जट हमारे यहाँ जो एक बहुत उसको थोड़ा सा टैबू बना देगा, हमेशा दिखाए जाते हैं कि बिल्कुल बस अगर एक्शन वगैरह है तो वो ईविल भी होंगे साथ, थोड़े से वो बर्बादी भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे, तो इट्स अ स्वीट जेस्टर, और मैंगो सबका फेवरेट होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसका मैंगो फेवरेट ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा यही नीयत है कि ये सबकी फेवरेट हो इंशाल्लाह। हमने ये देखा है, बल्कि मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ कि ईद वाले दिन मैं तो भाई जरूर बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ सोशल मीडिया हैंडल्स पे। हरीम मैं आपसे सराइकी, क्योंकि मैं सराइकी स्पीकर हूँ, तो सराइकी में सवाल पूछूंगी, आपने पंजाबी में जवाब देने, और जुनेद अगर आपको भी कोई लैंग्वेज आती है तो आप भी उसमें बता सकते हैं। वले नाल ईद अल्हड़े मैं उठीनिया ना सब तू पहले बहुत सारियाँ तस्वीरें छिकवेनियाँ वक्त में उन्हें हज़ार तस्वीरें जो फाइनलाइज करेनिया कि तस्वीर मैं आपने इंस्टाग्राम से लावनी है, पर डिज़ाइनर्स को टैग करेनिया तो डिज़ाइनर से तले कॉमेंट्स आने। हरीम तुम्हारे वास्ते कितना मुश्किल होता है कि वले वले उठी के तो सब तस्वीर छिकवा के
इंस्टा से लेंदे हो? ये मैंने सुना है तसी जो चिट्ठी है ना, ये आपकी नेक्स्ट फिल्म का ना, नेक्स्ट फिल्म का ये इंट्रो है, मैंगो मियां वाली। तसी जो चिट्ठी है ना आपने, वो अभी तक मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि क्या हुआ है। यार फर्स्ट वर्ड इनके लिए तो थोड़ी तालियां होनी चाहिए, दैट वाज सो गुड। इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। दसो, बेग योर पार्डन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, देखिए सरेकी में होता है खिची, पंजाबी में होता है खिची और चिक्की, खिची पंजाबी में खिची, सरेकी में खिची। जस्ट पकड़ लिया, मुझे थोड़ा बहुत आपका एंड का समझ आ गया और मैं सवाल ही भूल गई हूँ। मतलब कहने की इनका लुबे लुबाब ये है कि इंस्टाग्राम के बगैर इनको सांस नहीं आता है। आप क्या सुबह उठ के ईद वाले दिन पिक्चर्स अपलोड करती हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे या नहीं बस सोई रहती हैं? ईद वाले दिन मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो वाहे दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएट होती हूँ मैं, जिम्मेदार होती हूँ मैं ईद वाले दिन, उसके बाद सो जाती हूँ, तैयार होकर पिक्चर्स अपलोड करके सो जाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर इट विद माई फैंस, और फैंस इतना शेयर करते हैं तो उस पर आई थिंक इट्स अ सेलिब्रेशन। ये आपने अब इस स्क्रीन से निगाह नहीं हटानी है क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, और उसकी बैकग्राउंड आपने बतानी है। Beautiful. ये कहाँ पे थी और कब थी और येलो में जबरदस्त लग रही आप। थैंक यू। ये हम एक टेलीफिल्म शूट कर रहे थे, उसका वो था शूट था। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ उधर कौन था? ये किसको देख रही है हरीम इतने गौर से? तो देख रही है कि तुमने भी बिल्कुल वैसे ही कांटे पहने हुए। हाँ इधर देख रही है। इसने क्या पहना हुआ? ये मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि सामने सीधे होके देखूं, मुझे अपने साइड पोज से पिक्चर खिंचानी थी, मैं उस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आई थिंक मैं किसी शो पे गई थी, रेड इज माय फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर है। लुक्स रियली गुड ऑन यू। थैंक यू सो मच, आप पे खुद बहुत अच्छा लगते रहे। थैंक यू। हम जाएं, आप लोग तारीफें कर ले, आप लोग भी कॉम्प्लीमेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं जुनेद आप पे, भाई बहुत अच्छा। रोज तो रोज होते हैं ना फिर हम। बिल्कुल सही बात है, हमारी तारीफ एक लाइन की होती है ब्रो। हमारी जो है ना वो आउटलुक दुनिया की तरफ वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, बस सिंपल। हम द थर्ड कलर में ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक में इतनी अच्छी लग रही है, गॉर्जियस भाई, जबरदस्त। चले जी, आपने एक एक पिक्चर अपनी बतानी है जी, ये कहाँ है और कहाँ और कैसे शूट हुई? वो 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 वाह, ये लड़का है कौन मुझे पहले बताएगा? हैंडसम बॉय उस दैट हैंडसम फेलो। यार ये मेरे ख्याल में ये ड्रामे की शूट थी। ओके, और उसकी लुक थी, आई वाज प्लेइंग इन काइंड ऑफ एन टॉक्सिक एंग्री यंग मैन। अच्छा, टॉक्सिक एंग्री यंग मैन, व्हिच पीपल लाइक, व्हाई डू वुमेन लाइक टॉक्सिक एंग्री यंग मैन, व्हाई? ए मुझसे क्यों, मुझे नहीं पसंद, व्हाई लाइक टॉक्सिक थिंग? सो या आई थिंक ही वाज ड्रामे। अगर आप कोशिश भी कर लेना टॉक्सिक दिखने की, मैं नहीं हो सकता, आप नहीं दिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। ओए 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 सीपी ब्रांड, आई अमेज मायसेल्फ एट टाइम्स। शेल, बिल्कुल ये देखिए बस, हां शेल की तरह हूं मैं, अंदर से खाली ऊपर से सख्त। जबरदस्त हो गया जी। Oh. My head is spinning. तुम सब लोग इतना तैयार होके बैठे हुए हो, काश यहाँ पे कोई मीरा पति भी बैठा होता। मीरा जी बोलो, आप अगर यहाँ आ जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तुम मुझे बताओगी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ? आपका मकान बता रही हैं आपको बहुत। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। मैं डर रहा हूँ। मेरा फेवरेट कलर पहन आए हो, मैं पिघल जाती हूँ यहाँ पे। जुनैद जैसे लड़के सारे जिंदगी कामयाब नहीं होते, पता क्यों? क्योंकि मीरा को इन्होंने साइड पे कटाया होता। ओए 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 जुनैद। और इस जैसे लड़के को ख्वाब भी हमेशा बुरे आते हैं, ख्वाब में भी फेसबुक पे किसी लड़की से दोस्ती करेगा तो वो लड़का निकल आता। जुनैद मुझे पता चला था तुम आ जा रहे हो, खड़े आपका दिल नहीं चाहा कि आप बस खड़े हो जाओ, एक दफा समझ नहीं आ रही मेरी हाइट देखनी है। तुमने एक ड्रामा किया था ना मुमकिन, हाँ आज मेरे साथ कुछ मुमकिन करके दिखाओ। कोई फूल दे दे। अगर नामुमकिन लग रहा है तो मैंने रियाजी से सीखा है कि अगर कुछ
नामुमकिन हो तो उन्हें फर्ज कर लिया जाए। चिड़ी उड़ी खेल लेते हैं आप कहते हैं। अगर ये चिड़िया उड़ गई तो कहाँ जाओ। उस तुम्हारे ड्रामे का जो टाइटल था ना, वो गाना गाना चाहोगे तुम मेरे साथ? शुरू करें। बजाओ म्यूजिक। क्या बात है, क्या बात है मीरा जी। ओ माय गॉड रमीज, अब वक्त चला गया। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक सब ठंडी उंगली जिंदगी के बन। मैं तुम्हें घुमाना चाह रही हूँ, तुम घूम ही नहीं रहे। वो आपको घुमाना चाह रहे। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढ के। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब तुम्हें जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बस। ओह माय गॉड। आपने शुरू जुनेद के साथ किया और खत्म आपने यहाँ पे किया, ये क्या बात हुई? प्यार भी ठंडी हो गया। मेरा दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, सबका दिल रख लेती है। चुप करो तुम। हम देख रहे हैं कि आपने म्यूजिक के छाबे में भी हाथ डाल दिया है। तुम भी बन गई हो ना भांड में रस। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तक कोई भी ड्रामा तुमने बेहतरीन हीरो बन के नहीं किया। अच्छा, ये फूल मेरे बालों में लगाओ और प्रूफ करो कि तुम एक हीरो बन सकते। ये तो कान है, बालों में लगाना। अच्छा, इतने तुम चूचे। मीरा जी जुड़ा ना खुल जाए आपका कुछ। कोई बात नहीं, ये जुल्फें खुलेंगी तो तबाही ही मचे। मीरा जी लगता है गमले में किसी ने फूल लगाया। मीरा जी, जुनेद बैठो, थक जाओ। मीरा जी, मीरा जी, आपका गमले से फूल गिर गया है। जुनेद, मीरा जी, हम चाहते हैं कि आप हमेशा यहीं पर रुकी रहें, मगर टाइम भी तो है ना। आपने आपकी गाड़ी आपका वेट कर रही है। आपका चिंची आ गया। मीरा सादा सी है, वो चिंची पे भी चली जाएगी अगर जुनेद साथ जाए। उन्होंने मार दिया। लेकिन जुनेद, अपना शो पूरा करके जाना, मुझे सिर्फ वहां तक छोड़ दो। चलो मुझे छोड़ के प्लीज। थैंक यू मीरा जी। थैंक यू, क्या बात है, मैं बिठा रहा हूं। थैंक यू जुनेद, थैंक यू। एंड ऑन दिस नोट, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे, बट विदाउट मीरा। After the break, आप देख रहे हैं Showtime with Ramiz Raja. क्या बात है जी? और जोर से, और जोर से। अच्छा जी, ऑडियंस के सवाल हैं अब कुछ मेरे ख्याल से। हाथ खड़ा करें जिन जिन ने सवाल करने हैं। कौन पूछेगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम सर, आपसे जो एक रिक्वेस्ट है जी, क्या आप हरीम मैम के लिए गाना गाएंगे? हरीम मैम के लिए गाना गाएंगे। वो कौन थी, तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था, वो क्या गई, फिर तो मुस्तकिल खिजा का मौसम था, वो ख्वाब थी, नींद थी, खुशबू थी, क्या थी वो, क्या थी वो, वाह, क्या थी वो कौन थी। बड़ा फुल ऑफ ऐसे दो फुल ऑफ मिस्ट्री थी इसे। रोजेदारों,
बड़ा ढोल हो गया सहज से। लगे प्यारो तीन बज गए, खुदा का वास्ता सो जाओ। भाई साहब कौन है? तू कल्प्रेट है, इतना बड़ा ढोल पकड़ा दिया। मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? आप इधर आए ना मेरे पास। एक मिनट, भारी है। देख के आइएगा प्लीज। तुम्हें ढोल वाले का नाम क्यों पूछना है? मैं जानना चाहती हूँ कौन साहब है और हमारे सेट पे क्यों आ गए हैं। मेरा नाम बशीर ढोल वाला है। अच्छा बशीर ढोल वाले साहब, मेरी बात सुने। हाँ, ये आप सदियां गुजर गई हैं लेकिन आप लोगों ने ना अपना टेम्पो नहीं चेंज किया। रोजेदार अल्लाह के प्यारो, हंस के बोलो ये। रोजेदार अल्लाह के प्यारो, रोजा रखो, मतलब कुछ टेम्पो ही बदल लो भाई। बहुत माशाल्लाह, खुश नजर आ रही है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपका फर्ज है, आपका भी फर्ज है कि आप लोग मुझे भी खुश रखें। हरीम आपको फूल देना चाह रही है। फूल आपने रिसीव। मुझे फूल? हरीम फूल देना चाह रही है आपको। जाए रिसीव करें, जाके जाए। यू फूल, ये फूल देना चाह रही है। ओ जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हरीम साहबा। अब मुझे सोचने का मौका दें बस थोड़ा। हरो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। चले जी, बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। माशाल्लाह खुशहाल चेहरे, खुश रहें, आबाद रहें। इसे तो आपने अडॉप्ट ही करके रख लिया है। आपका एक गाना हमने सुनना है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है हम नवा बने। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोलने वाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अदा बजा मालूम नहीं। गो 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 रीना, झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काले जुल्फे नागन पंखे देती है जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन पंखे देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगी मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अदा बदा मालूम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, बहुत शुक्रिया सर। ग्रेट इनिंग्स, वेल प्लेड, वेल प्लेड मैडम। और आप तो हैं ही हैं हमारे, आपसे हाथ भी मिलाना चाहता हूं क्योंकि आप तो क्रिकेटर भी हैं। अच्छा तो शो तो खत्म हो गया, गाने भी सुन लिए, अब हमारी केक कटिंग है क्योंकि हमारा पहला शो है, ईद का शो है, सो स्पेशल गेस्ट हैं। ईद है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ मीठा आपको ना खिलाया जाए? ऑलरेडी हमने बहुत कुछ खिलाया है आपको मीठा, तो लेकर आइए जी केक। मगर आकाशा किधर है, हमारी जो है फेवरेट एक्टर और लाला, लाला वहीद कहाँ है? आइए मैडम, आइए आइए आइए। अच्छा जी, हम हमारे शो के लिए बड़े मजेदार से टप्पे लेके आए हैं। अरे वाह, तो हम चाहेंगे कि ऑडियंस, क्रिकेटिंग टर्म में आकाशा टप्पे का क्या मतलब होता है? टप्पे लगा के और बाउंसर। बाउंसर, तो आप सबने हमारे साथ बाउंस करना है, गाते हैं। वाह, मेक सम नॉइज। छोटी ईद बड़ा शो मानिया, छोटी ईद बड़ा शो मानिया,
कदे रुकदा नहीं न्यासी दा हासा ए जेड़ा कदे रुकदा नहीं न्यासी दा हासा ए बिल्ली शेर दिखाला है बिल्ली शेर दिखाला है रूप बदल कोई रंग लपता शाये कोई रंग लपता शाये कुड़ी हर फन मौला ओदा नाम होगा शाये कुड़ी हर फन मौला ओदा नाम होगा शाये मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप यही शो देखते ही रहिएगा आई एम श्योर कि आप देखेंगे क्योंकि इसमें हमने बहुत शोर मचाया है सो शो टाइम विद रमीज राजा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।